अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है। फिज़िक्स पढ़ी चैनल की तरफ से मैं हमजा मसूद आज आपको चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दूंगा, और इसके अंदर हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो हम इस चैप्टर में नेक्स्ट डीपली स्टडी करेंगे। और इसके अलावा अब नेक्स्ट हमारी ये जो स्लाइड्स वाला सिस्टम होगा, स्लाइड्स पे हमारे लेक्चर्स भी होंगे अवेलेबल, तो आप वो भी यूट्यूब पे देख सकेंगे साथ के साथ। और दूसरा, इसके अंदर हम आज सिर्फ इस चैप्टर के जो आउटलाइंस और जो टॉपिक्स है ना, जस्ट उनको देखेंगे। डिटेल लेक्चर फिर वन बाय वन नेक्स्ट आते रहेंगे स्लाइड्स की शक्ल में। तो चैप्टर 1 का नाम है जी मेजरमेंट्स, और इसमें सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन, के हमारे पास इम्पोर्टेंस आ जाती है मेजरमेंट की। सबसे पहले हमारे पास इसमें कुछ इंट्रोडक्शन में नेचुरल फिलोसफी, साइंस, और फिर आगे उनके कुछ पार्ट्स हैं, फिर देन फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, फिर मेजरमेंट्स की डेफिनेशन वगैरह है, और देन इससे रिलेटेड जो हमारे पास साइंस है, फिर साइंस का रोल है टेक्नोलॉजी में, और फ्रंट टायर्स ऑफ फिजिक्स वगैरह, इससे रिलेटेड यूनिवर्स के जो फ्रंट टायर्स हैं, यूनिवर्स की डिवीजन है, वो हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास है जी फंडामेंटल क्वान्टिटीज़। इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिजिकल क्वान्टिटीज़ का टॉपिक होगा, कि हमारे पास दो किस्म की फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पता होगा कि एक हमारे पास होती हैं बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। इससे रिलेटेड फिर बेस क्वांटिटीज़ के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हमने लिखे हुए हैं, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है दी यूनिट। तो चूंकि क्वांटिटीज़ हैं, मेयरिंग चीज़ें हैं, तो मेयरिंग चीज़ों के जाहिर सी बात है अल्टीमेटली यूनिट्स होते हैं, तो बेस ड्राइव क्वान्टिटीज़ के यूनिट्स हैं। फिर इनको यूनिट्स को लिखने के कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, तरीक़ेकार हैं, वो देखेंगे। और उसके अलावा इसके बाद इसके अंदर ही हम इसी स्लाइड में हम साइंटिफिक नोटेशन को भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है जी एरर। एरर क्या होता है? एरर मिस्टेक होती है वैल्यू के अंदर। इसकी दो टाइप्स होंगे, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर, हम उनको भी डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? अहम अदादो शुमार। अहम अदादो शुमार मीन के वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे, उनको राइटिंग करने का तरीका, और उसके लिए कुछ रूल्स हैं, प्री डिस्क्राइब्ड रूल्स हैं। वो रूल जीरो के लिए भी हैं, वो रूल्स को देखेंगे और उनको लिखने के तरीके और मेथड्स को भी हम वन बाई वन चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का टॉपिक आएगा। एक्यूरेसी कहते हैं किसी किसी चीज़ की कोई वैल्यू कितनी ठीक है, यानी कि ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी है, और प्रिसीजन कहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन में उसके कितना करीब है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ लो कि एक्यूरेसी ठीक वैल्यू होती है कितने परसेंटेज में, और जो प्रिसीजन होती है वो उसकी हद रसाई होती है। ठीक है, तो हम डिफरेंट कैलकुलेशन को इसके साथ चेक करेंगे। नेक्स्ट है दी स्लाइड नंबर 7, मेजरमेंट्स के अंदर एरर। तो हम देखेंगे कि जो हमारे एरर्स होते हैं वो आ तो जाते हैं, हम उनको कम कैसे करेंगे और कितने परसेंट एरर होगा, इसको कैसे चेक करेंगे, एरर के अंदर गलती कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को इस्तेमाल करके हम एरर को चेक करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है जी डायमेंशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर से एक तो बोर्ड का पेपर आता है, और ऊपर से ये साइंटिफिक लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं वो डायमेंशनली कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। फिर इसके डायमेंशन एनालिसिस के टॉपिक्स आएंगे, और हम चेक करेंगे कि चीज़ों के फार्मूलाज ठीक हैं या नया फार्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं। तो ये सारा कुछ हम डायमेंशन एनालिसिस में वन बाय वन चेक करेंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्वांटिटीज़ को देखेंगे, उनके यूनिट्स देखेंगे, एरर देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, एक्यूरेसी प्रिसीजन देखेंगे, देन एट दी एंड हम डायमेंशंस के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हम मेजरमेंट्स करते हैं, तो मेजरमेंट्स हमेशा अप्लाइड फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होंगे, तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि कैलकुलेशन में हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में थैंक यू, हमारी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अटेंशन से ये चेक की हमारी स्लाइड्स। तो नेक्स्ट अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो कैलकुलेशंस और डीपली स्टडी लेक्चर्स के लिए आप चैनल को वीडियो को अच्छा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।